ये जो टू नेशन थियरी है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा परेशान करती है। अब जो नेशन बन गए ना, जब 14 अगस्त को आप वजूद में आ गए, तो दैट्स द एंड ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो नेशन बन चुके हैं। सो वो टू नेशन थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए अगर निसाब के अंदर हिंदुओं के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट अगर टेक्स्ट बुक में लाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहे हो। वो जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ताना होता है, बोली कहावत जो है, आप एक प्लेस दे रहे हो जो जो गेम स्पॉइलर हैं, जिनका स्टेक जो है सिर्फ रात को रोटी खा के सो जाने का होता है, वो देश नहीं चलाना चाहते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन जो है वो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और पाकिस्तानियों ने लिखा हुआ है, और उस पे ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और जब तक ये जो टफ टाइम है, ये टफ टाइम भी तब निकलेगा जब ऑनर्स जो आप लेंगे, पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है उसको देखना पड़ेगा कि अगर आप सिविल सोसाइटी अगर सोशल मीडिया में बोले कि हमारे मुहाफिज सिर्फ फौज हैं और आप बोलेंगे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ये जो परसेप्शन बना दी जाती है कि पॉलिटिशियन सारे करप्ट होते, दुनिया भर में पॉलिटिशियन करप्ट होते, कहाँ नहीं होते। सी, एक चाणक्य का कोट है कि पॉलिटिक्स इज परस्यूट ऑफ पावर। जो भी पॉलिटिक्स में आएगा ना, वो पावर ढूंढ रहा है, और पावर का सही इस्तेमाल करना जो है ना, एक धर्म है, एक ड्यूटी है पॉलिटिशियंस की। अब आप लाख बातें करते हैं यहाँ पे हमारे मोदी साहब के बारे में पाकिस्तान में, बट ट्रस्ट मी, आप मोदी साहब की परफॉर्मेंस नाप सकते हैं, यू कैन मेजर, इज डिलीवरिंग डे एंड नाइट। इंडिया हैज चेंज सो मच इन लास्ट 9-10 years, ये दुनिया देख रही है। अब टुडे यू नो ही इज इन इजिप्ट राइट नाउ, कैन यू इमेजिन दैट रोल द रेड कार्पेट, दे आर लुकिंग फॉर सो मच ऑफ कोऑपरेशन एंड इज अ मुस्लिम कंट्री। तो कहीं ना कहीं मजहब को आप पीछे रख के, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान शुड स्टार्ट ए डायलॉग इन सच ए वे दैट हम लॉयल्टी अपने अपने मुल्क से रखें तो बेहतर रहेगा, बिकॉज वी आर लिविंग द टाइम्स ऑफ नेशन स्टेट्स, और नेशन स्टेट्स में वाकई मजहब का कोई काम नहीं होता। लेकिन सर, अगर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग आपस में मिलते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिले या किसी दूसरी कंट्री में मिले, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, बात करते हैं, इवन इस वक्त भी जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर उनकी किसी भी किस्म की इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है, तो वो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के दोस्त हैं और बात करते हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, गवर्नमेंट लेवल्स पे देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, सर इतने साल में, 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो? मैं मानती हूँ बहुत सी गलतियाँ हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, उस चीज़ में मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि वो जो कश्मीर के लिए कहा जाता है, नॉन स्टेट एक्टर हमारी तरफ से बोल दिया जाता है कि जी वो जा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, कई शरारतें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद सर ऐसा क्यों हुआ? जब एक कंट्री बन गई उसके बाद, मतलब यहाँ के लोग आराम से क्यों नहीं बैठे आपके ख्याल से, और भारत के साथ टर्म्स किस लिए बेहतर नहीं हो पाए? क्या गवर्नमेंट लेवल पे हिंदुस्तान में भी जो है वो इस बात को सोचा गया था कि नहीं मिल बैठेंगे या मिलने की या बात करने की जरूरत जरूरी नहीं है, इस बात को लेके चलें क्या? बट आई थिंक कोई पब्लिक लेवल पे तो देखिए एक नैरेटिव स्टेट सेट करती है और पब्लिक उसको फॉलो करती है, लीडर्स ही नैरेटिव सेट करते हैं। अगर लीडर्स का नैरेटिव क्लियर नहीं है ना, तो पब्लिक भी कंफ्यूज ही रहती है। जो स्टेट नैरेटिव इंडिया का है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। वी आर कश्मीर टू कन्याकुमारी, वी आर वन नेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और एनीथिंग। पाकिस्तान का जो बाइंडिंग फैक्टर है ना, वो मजहब को लेकर आना चाहते हैं या उर्दू को। उर्दू आपकी एलियन है, पार्टी गलत हुआ। सी, उर्दू इज नॉट ए लैंग्वेज विच इज यू नो लोकल टू एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जो क्राइसिस शुरू हो गए जबान से शुरू होते हैं और फिर जाके, बिकॉज हर आदमी की जबान जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब समझे हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी बातचीत खराब होती है वो कश्मीर को लेकर होती है, और कश्मीर का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने आज एक बार नहीं 100 बार, मैं भी बैक चैनल में काम भी करता हूँ, बोल दिया है कि यार कश्मीर इज नॉन नेगोशिएबल, आई चॉइस इज योर्स, लेट्स फाइंड ए पीसफुल सोल्यूशन टू इट। पर अगर आपको नॉन स्टेट एक्टर्स को कहीं ना कहीं, आज भी हाफिज सईद जो है जेल में पड़ा हुआ है, अर्जुन जी क्यों पड़ा हुआ है? बिकॉज अगेंस्ट एन FIR फाइल्ड बाई दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इट सेल्फ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको फाइल किया हुआ है टेररिज्म के केस के अंदर।
तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के आना पड़ेगा, सिंसियरली सी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, इसमें नो डाउट। आपको जो अपना अपना जो आपको जो वो जो एस्पिरेशन है लोगों की और जो डिजायर प्लेस वर्ल्ड कम्युनिटी में, यू आर द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मामूली बात नहीं है। तो जो आपका डिजायर्ड प्लेस इन ग्लोबल कम्युनिटी में है वो तब आएगा जब आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। नॉर्मल स्टेट मजहब से नहीं आती, टेररिज्म से नहीं आती, या नॉर्मल स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करने से नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करिए, बच्चों को पढ़ाइए, और जब बच्चों को आप अपना निसाब नहीं बदलोगे, सिर्फ बेसिक ना, वो जो मटेरियल स्कूल से बाहर आता है वो स्टाफ साहब मुझे किताबें भी दिखा के चले गए कि किताबों में लिखा हुआ है कि हिंदू गंदा होता है, किताबों में लिखा गया हमने आजादी हिंदू से पाई, आजादी तो हमने मिलके लड़ी थी ना अंग्रेज से लड़ने के लिए, चाहे हिंदू या मुसलमान। तो वो जो नैरेटिव है ना, उसको कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन आरजू करना पड़ेगा। देखिए बॉम्बे में जो अटैक हुए फॉर एग्जाम्पल, और वो एक फ्रंटल अटैक था इंडिया में, तो कोई भी हिंदुस्तानी और बॉम्बे के अटैक कहाँ से बोल सकता है, कभी नहीं बोल सकता, ता क्यामत तक नहीं बोल सकता, जब तक वो जो उसके परपेट्रेटर्स हैं उनको 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 उनके जो लॉजिकल एंड है, उनका कन्विक्शन है, वहां पे पहुंचना चाहिए। तो ऐसे छोटे चीजें हैं जो जो ऐसी रिजॉल्वेबल है। पाकिस्तान में वही लोग रहते हैं जो यहाँ रहते हैं, हम भी वहीं से आए हुए हैं, एक स्टॉक है हमारा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, पाकिस्तान से मोहब्बत पाकिस्तानी बन के करनी पड़ेगी। ये जो हम लोग कहीं पर भी, अगर इंडिया में ऐसा होगा तो इंडिया भी ट्रबल में आएगा, नो डाउट अबाउट इट। मजहब स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, इफ दैट थिंग इज टेकन आउट, तो नहीं सन क्यों इन सब मुसीबतों से बहुत जल्द बाहर नहीं आएगा, आना चाहिए और आएगा भी यकीनन। पर कहां पोटेंशियल, देखिए $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को कल अपने अपने ही लोगों पे $880 मिलियन के टैक्स लगाने पड़े जस्ट टू प्लीज IMF फॉर $1 बिलियन। तो क्यों चाइना विद $3 ट्रिलियन पाकिस्तान को 2 मिलियन या 3 मिलियन या 7 बिलियन क्यों नहीं दे पा रहा? बिकॉज वो भी कंफर्टेबल नहीं है चाइना, चाइनीज आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, द होल द ग्लोबल कम्युनिटी इज नॉट कंफर्ट। जब इतने लोगों का ये विचार है, इतने लोगों की ये सोच है, तो पाकिस्तान को कहीं बैठ के, सब लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा, क्या हिंदुस्तान तो गलत है ही है, क्या दुनिया गलत है, द होल वर्ल्ड इज रॉन्ग। तो कहीं आई थिंक कोई बड़ी मसला नहीं है, ये पैराडाइम शिफ्ट जो है जब भी आएगा, पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम है ये कुछ महीनों में सॉल्व हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि डूम्स डे आ गया है, नो, ये टेम्परेरी है, और इसको परमानेंट सोल्यूशन जो है ना वो सिर्फ एक ही है, हमसाय के साथ अगर आपका प्यार नहीं है तो फिर आप बताइए किस तरह से जिएंगे। कोई भी आदमी, यू नो, यू कॉन्ट चेंज अस, दे आर गोइंग टू स्टे हियर एंड वी कॉन्ट चेंज यू, यू आर गोइंग टू स्टे हियर। तो कहीं ना कहीं स्टे को, वो जो ऑफिशियल नैरेटिव है कि हिंदू दुश्मन है और इंडिया दुश्मन है, हिंदू गंदा है, हम हिंदू से दुखी होके हमने अपना अलग मुल्क मांगा है, इस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप हाजिर स्टेट हो, यू आर ए रियलिटी, तो रियलिटी में आ चुके हो। वो जो जमाना था जिन्ना साहब का ये सब कहने वाला, वो खत्म हो चुका है, तो उस नैरेटिव को बदलने की बहुत जरूरत है ताकि एक नॉर्मल स्टेट बने, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट आई फील दैट मस्ट कम आउट नाउ। सर, टू नेशन थ्योरी हो गई या इस किस्म की बातें कि हम रह नहीं सकते थे या हम रह नहीं सकते हैं किसी और रिलीजन के लोगों के साथ, ये तो सर अब काफी हद तक मैं देख रही हूँ कि ये और बातें कि टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उनमें इस किस्म का रवैया देखने में नहीं आ रहा या कम हो गया है, समझे, काफी लोग जो हैं वो इस चीज को मानते ही नहीं है। अभी ये और बातें कि जो अभी आपने देखा होगा, होली के ऊपर बैन लगा दिया फिर हटा दिया, यही तमाशे हमारे यहाँ चलते रहते हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का कोई हाथ नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो उसमें हिस्सा ले रहे थे, वो तो खुश नजर आ रहे थे। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदुस्तान के साथ एक टेंशन बनाए रखने में जो है वो पाकिस्तान की जो फौज होती है या एस्टैब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनका कोई फायदा है जो ये इस बात को खत्म ही नहीं कर रहे या करने की कोशिश ही नहीं करते? हर वक्त यही लगता है कि कोई ना कोई उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे दी जाती है, जो जाहिर है कि जवाब में फिर हिंदुस्तान से भी उसी किस्म का रिप्लाई आता है, और इसी तरीके से ये इन्होंने इतने साल निकाल दिए
और पब्लिक जो है वो बेचारी हैरान परेशान बैठी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर तो बजट भी आ जाता है, उसके ऊपर टैक्सेस भी आ जाते हैं, लोड शेडिंग भी चल रही है, 10 चीजें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये भी है कि वो आप 1 बिलियन की बात कर रहे हैं, अब तो कोई कुछ पैसा नहीं दे रहा, चाहे वो चाइना ही हो, वो तो जाहिर सर कब से तो पैसा मांग रहे हैं, कब तक कोई दे सकता है। लेकिन अपने फैक्ट्रीज ओपन करना, अपना ट्रेड ओपन करना, अपने आप जैसे होता है कि इंडिपेंडेंट होना, वो आखिर ये लोग क्यों नहीं सोच पा रहे इस तरफ, क्योंकि सारे लोग तो उधर ही से हैं ना, वही वही दिमाग के लोग हैं। आप अर्थ ये जो पाकिस्तान के बनने से ही ना, आप देखिए प्रॉब्लम, अब जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो फौज का, अगर हिंदुस्तान से दुश्मनी नहीं है और हिंदू दुश्मन नहीं है तो रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस नहीं बनता ना फौज का, फौज के वजूद की जरूरत ही नहीं है। अगर हिंदुस्तान से प्यार हो जाए, हिंदुस्तान से दोस्ती हो जाए और हिंदुओं से भी प्यार हो जाए तो फिर जरूरत क्या है, फिर फौज की जरूरत नहीं है। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो बनता है ना, आप हिंदू हेट या इंडिया हेट जो है वो फोडर है, अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको ज्यादा फौज चाहिए नहीं। कभी कभी आप जैसे जो यूट्यूबर हैं वो भी 5-6 बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का ज्यादा ऑडियंस इंडिया में है, बहुत देखा जाता है आपको इंडिया पे, एंड वी आर अप्रिशिएटिंग दैट कि पाकिस्तान में सोच बदल ली है बच्चों की, ये सिल्वर लाइनिंग है और इस सिल्वर लाइनिंग को हम यहाँ अप्रिशिएट करते हैं। बट कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि फौज यकीनन अपने एग्जिस्टेंस के लिए काम करती है, ऐसा एक जैसे वो लोग बोलते हैं, मैं क्लिशे ही मानता हूँ कि हर दुनिया के लिए फौज होती है, ये एक ऐसी फौज है जिसके लिए एक मुल्क है, ये पता नहीं कब से लोग डिकेड से बोलते रहते हैं, तो कहने की बात है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप लोगों को सिविल सोसाइटी को उठना पड़ेगा, इट इज योर ड्यूटी, योर मीन्स द एवरी पाकिस्तानी दैट जो आपके मुल्क के सरहदों के मुहाफिज हैं, जो सरहदों का पहरा देते हैं, उनको सरहदों तक महदूद करना, ये काम आप लोगों का है, सिविल सोसाइटी का है। अगर आप उनको हीरो बनाओगे, जो देखिए फौजी जो मरता ना, हमने बड़ी बड़ी देखा है यहाँ पर भी, हम लोग बड़े खुश होते हैं फौजी शहीद हो गया, तो वो शहादत के बाद जब पीछे घर बचता ना, वो 1-6 महीने के बाद वो जो विधवा है, जो अनाथ बच्चे हैं ना, उनका कोई सहारा नहीं बचता। लड़ाई जैसी भी होती है ना, मौत और डिस्ट्रक्शन दोनों आसानी से ली जा सकती हैं, पर जिंदगी और खुशहाली उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत करने के लिए सिविल सोसाइटी का ये अहद करना बहुत ज़रूरी है कि आवर फर्स्ट लॉयल्टी लाइज वेयर। अब पाकिस्तान के अंदर मैं जब भी देखता हूँ, जब भी जाता हूँ, मुझे इतने हसीन लोग मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्ट एंड क्लैरिटी, बट समाउ व्हेन इट कम्स टू कश्मीर तो ये मुझे समझ नहीं आता उनके अंदर, यह क्या ये डाल दिया गया है, क्या नहीं बिना कश्मीर के यार कुछ हो नहीं सकता, पहले कश्मीर करो। सो ये आरजू प्रॉब्लम है घूम फिर के, और मैं हम पाकिस्तान को हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो या हमारे बैक चैनल हो, बड़ा क्लियरली ये बोला गया है यार कश्मीर इज नॉन नेगोशिएबल, सो कम से कम स्टेटस को पे तो आ जाए ना, क्योंकि कश्मीर में अगर आपने लत लग जाएगी कश्मीर लेना है नहीं मिलेगा। सो वो जो चीज़ अफसाना अंजाम तक लाना मुमकिन ही नहीं है, उसके लिए आप मैं कल भी कहीं बात कर रहा था, यही बात कर रहा था कि पूरे मुल्क की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो रुकी पड़ी है, क्योंकि फोकस फेलियर है। और लेंथ एंड ब्रेथ देखिए, इतना डाइवर्स आपका भी मुल्क है, देखिए कहाँ बलोच है, कहाँ सिंधी है, कहाँ पंजाबी है, सरायकी है, आपका भी साइड पे कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, तो क्या क्या बढ़िया डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, उन पे ध्यान अगर पाकिस्तान देखे, हिंदुस्तान को पाकिस्तान को भूल पाकिस्तान को एक्चुअली हिंदुस्तान को भूल जाना चाहिए कपल ऑफ ईयर्स के लिए। अब यहाँ पर देखो नई चीज, मैं कल भी सियासत को बता रहा था, हिंदुस्तान में हम लोग इंडो पाक की बात अब नहीं करते, ये 5-6 साल से बंद हो गई है, देयर इज नो इंडो पाक, वी आर टॉकिंग इंडो पैसिफिक, वी आर टॉकिंग इंडो यूरोपियन, क्योंकि हो नहीं रहा कुछ, कुछ होना चाहिए अपेरेंटली दोस्ती, यहाँ पाकिस्तान को कदम बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए मोदी जी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया आरजू जब वो जाति उमरा पहुंच गया, एक पॉलिटिकल रिस्क था उनके लिए, पर यहाँ पर अपोजिशन पार्टियों ने भी ज्यादा नहीं बोला, उन्होंने कहा ये वेलकम एड्रेस है, पर जैसे ही वो वापस आए पठानकोट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो अब वक्त नहीं रहा आरजू हमारे आपके बच्चों के लिए, आप तो यंग है,
कि मुझे नॉन स्टेट एक्टर्स के शेल्टर में रहने का, देयर इज नो स्टॉप नाउ. अगर एक आपने तो बॉलीवुड की पिक्चर देखी होंगी, पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोलता है कि अगर पुलिस जाए तो शहर में बच्चे का खिलौना भी नहीं घुमा सकता. अगर आप यहाँ आर्मी चाहे तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हम जिससे सताए हुए हैं, और हमारा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, लोग वहां से आए थे, मुंबई अटैक वहां से हुआ था. तो कहीं ना कहीं फौज को ये रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नो वे टेररिज्म और प्रमोटिंग फॉर द सेक ऑफ कश्मीर कॉज, उसको पूरा फुल स्टॉप दिए बिना ये गाड़ियां आगे चलने वाली नहीं है. इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर सबसे जो नेगेटिव काम किया वो इमरान खान साहब ने किया. अम्बेसडर, अब स्टेट्स के अंदर कितनी डिस्प्यूट्स होती हैं, आप अम्बेसडर कॉल नहीं करते हैं. अम्बेसडर कॉल बैक करना है, इट्स नॉट ए वॉर टाइम. आप बाहर में नहीं है, अब यू नो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, एजेंडाज हैं. तो इमरान खान साहब ने तो पूरी रिलेशनशिप का गला ही काट दिया, अम्बेसडर बुलाकर, हाई कमिश्नर वापस बुला के. तो जैसे वो ट्रेड डील है, आज के डेट में अर्जुन जी आप देखिए 140 करोड़ लोगों की मार्केट आपके हवाले है. 10-12 लैंड क्रॉसिंग रूट बन सकते हैं. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेग्लिजिबल. एक एफटीए हो सकता है. जी सर, इमरान खान तो बड़े कंफ्यूज थे, उन्होंने तो ट्रेड भी बंद कर दी, उन्होंने तो वो जो पहले आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर कॉज को साइड पे कर दें और इंडिया के साथ रिलेशंस ठीक करें, तो भी उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने मना कर दिया. और बाद में इमरान खान साहब कहते हैं मुझे तो काम ही कोई नहीं करने दे रहा था, सारे फैसले तो बाजवा साहब करते थे. तो इन्होंने तो इतनी कंफ्यूजन फैलाई है कि आम पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन क्या कर रहा था और किसने क्या किया है. क्योंकि पहले हर चीज इमरान खान के नाम लग रही थी, अब इमरान खान कहते हैं मैंने किया है कुछ नहीं है. लेकिन सर जहां तक आप ये कह रहे थे ना, मैं जाते जाते जरूर कहूंगी कि आर्मी की जरूरत नहीं, तो सर अगर इधर का बॉर्डर पुरसकून हो भी जाता है, जो हो जाना चाहिए भारत की तरफ, तब भी हमारी आर्मी को, हमारी एजेंसी को यह समझना चाहिए कि वो बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से TTP वालों ने काफी एंटरटेनमेंट शुरू की हुई है. और वहां पे जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं और किस तरह से इनकी जरूरत है वहां पे. तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये आराम से बैठ जाएंगे या इनके पास काम नहीं होगा, क्योंकि वो TTP जो इन्होंने खुद ही बनाई थी अब इनके सर को आ रही है, तो वो भी तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए कम से कम एक बॉर्डर तो शांत रखेंगे. इमरान साहब क्वालिफिकेशन क्या है टू बी इन पॉलिटिक्स? देखिए आप मेरे पाकिस्तानी दोस्त या जो इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे दे मे नॉट एग्री, पर आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री वो पिछले 35-40 साल से वो ग्रास रूट लेवल से ही अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स. वो पॉलिटिकल वर्कर बन के उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी स्टेट गुजरात भी चलाई, अब जहां भी काम कर रहे हैं वो पॉलिटिशियन है. इमरान खान साहब का जो क्लेम टू फेम है वो क्रिकेट है. और उस हिसाब से तो हमारे कपिल देव भी हमारे बने प्रधानमंत्री, सनी गावस्कर बनना चाहिए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शुड बी तेंदुलकर. सो हमारे यहाँ पे या किसी भी कंट्री में पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस. पॉलिटिक्स इज नॉट ए बिजनेस ऑफ क्लेम टू फेम करके उसको एक्सप्लॉइट करना. आपको बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है, नीचे से ऊपर आना पड़ता है, और जो बारीकियां है ना नुएंसेस पॉलिटिक्स के, ये बहुत जरूरी है. अब आपके बिलावल भुट्टो साहब है, बट इज अनफॉर्चुनेट कि वो एक पोलिटिकल फैमिली से आके अगर वो बोलेगा हमारे प्रधानमंत्री के लिए वो जबान जो वो यूज करेगा मैं आपसे आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ भला बुरा जबान बोल दूं, आप मुझे कल से शो में तो ना बुलाओगे, आप तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दोगे. अब